बड़ा कौन सा है? कितने नंबर है? चार नंबर। उत्तरी अमेरिका तीन नंबर, ये चार नंबर बड़ा महाद्वीप है। ऊपरी साइड में ये पनामा, ये कौन सा महासागर? ये तो नॉलेज होगी प्रशांत। इधर ठीक है, बैठ जा, इतनी सर्दी भी कोनी, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ। हाँ, इस साइड में प्रशांत है, इस साइड में कौन सा है? अटलांटिक। देखो ज्यादा नहीं है, इस महाद्वीप में लगभग 14 देश है जिनमें से 12 स्वतंत्र है। 14 में से पढ़ना, अगर एक देश पढ़ लोगे ना, ये लगभग कंट्रोल है पूरा महाद्वीप। इसमें मेन ये देश है ब्राजील, ब्राजील के जस्ट नीचे अर्जेंटीना, सबसे बड़ा देश यही है, विश्व का पांचवां बड़ा देश है ब्राजील। देखो जितना भी देश है इस महाद्वीप में, कितना है टोटल, उनमें से दो को छोड़ के, एक तो यहां है बराबर में त्रिकोण, आपने जी केरल है नहीं, केरल के त्रिकोण या लंबो एक देश है चिली, चिली, और एक यहां है इक्वेडोर। चिली और इक्वेडोर को छोड़ के बाकी जितने भी देश है सबकी सीमा लगती है किसके, इतना बड़ा है विश्व का पांचवां बड़ा देश है ब्राजील। ब्राजील मैंने एक इसमें ब्राजील पढ़ते ही लगभग महाद्वीप कंप्लीट है। अब देखो शुरू करो आगे, इस महाद्वीप में यहां ऐसे एक लंबी पर्वत श्रृंखला है, कौन सी साइड है, पश्चिमी साइड है, एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है एंडीज, ये याद रखना। दूसरा नाम है इसका कार्डिलेरा, एंडीज या अवली माने किया, आपको बोला नहीं अरावली, अवली माने किए, अवली माने किए, अर प्लस अवली बताए नहीं, श्रृंखला दीपावली कार्डिलेरा गोरते एक त्रिकोण श्रृंखला ही है, यानी एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, विश्व की सबसे लंबी 7200 किलोमीटर, लगभग 7 देशों में 7200 किलोमीटर, विश्व की सबसे ऊंची तो है हिमालय, ऊंची है हिमालय, लंबी नहीं है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला यही है एंडीज पर्वत श्रृंखला, इस महाद्वीप के पूरी साइड में। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी, उत्तरी अमेरिका की, शाबाश, वाह, गजब, वास्तव में को नहीं याद करे तो थे करियो की हो दिवाली 7 दिन। तो सबसे बात है उत्तरी अमेरिका की रोकी, ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी माउंट, अरे पर्वत श्रृंखला पूछू ऊंची कौन पूछू भी, लंबी पर्वत श्रृंखला ऊंचाई आरो तो ठीक है, ऊंचाई आरो कौन पूछ रही हो मैं, लंबी कोशिश को ऊंची, और इसकी एंडीज एव याद रख लिया, एकानगुआ यहां है, एकानगुआ इस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, एकानगुआ इस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, एकान सबसे लंबी एंडीज, एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एकानगुआ गठे गुरुजी, चिली और इन्हें कौन से आ दोनों की सीमा ऊपर है, चिली और अर्जेंटीना की सीमा, इन त्रिको इन तीन पार्ट का मार्क्स कहां पा, एंडीज ने उत्तरी एंडीज मध्य एंडीज दक्षिणी एंडीज। अठई एक झील है, कभी नाम सुने तो ट्रिटिकागा है, गैडा बन गए मुना साई दी जाई चेरी,
फौज में थे लाग जो कई बार अजय इन्ने का अभियान आवे कई बार हो जे आ पतो आर्मी वगैरह में अभियान आ जी दिवाली पर ही आयो कोई फौजियो फोन आयो शायद दक्षिणी अफ्रीका में आदि को गुरु जी मारी ड्यूटी आ रही है के क्योंकि आर्मी आ वीडियो ज्यादा देखे कि मान बेरो है रिटायरमेंट हो गया है आता ही नौकरी मिल जी मैं बठू ही देखना चालू कर दी तो अभियान आ के बेरो ना को लाग जे नेवी आ रहा है मौज हुए नेवी आ रहा है वह लगभग देश देख ले थारे उसके केवरो कोई अभियान आ जाए तो देखिए यू इन्हें टिटिकाका झील पेरू और बोलिविया की सीमा पर टिटिकाका विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील है थोड़ा से याद रखनी पड़ेगी या तो एक ज्वालामुखी एंगमा कोटोपेक्सी गटपड़े इक्वेडोर विश्व का ऊंचा सेकिरी ज्वालामुखी है कोटोपेक्सी लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज विश्व की सबसे लंबी 7200 एंडीज की सबसे ऊंची चोटी है एकानगुआ इसी में एक झील है टिटिकाका पेरू बोलिविया की सीमा के ऊपर है और एकानगुआ है चिली और अर्जेंटीना की सीमा पे कोटोपेक्सी ज्वालामुखी कहां पड़ता है कोटोपेक्सी इक्वेडोर के अंदर कोटोपेक्सी अब देखो और चिली लगभग इंपरी है पूरा पूरा चिली है नहीं कौन सी श्रृंखला में होगा एंडीज है अठे एक मरुस्थल है अटाकामा कभी सुनिए तो अटाकामा कौन सुनोगे इनमें एक स्थान है अरिका ओरिका विश्व को शुष्क स्थान है विश्व में सबसे ज्यादा तांबा कहां निकलता है अंबे हाँ मरुस्थल में स्थान तो तांबा सबसे ज्यादा निकलता है चिली के अंदर चिल्ली की एक फेमस खान है तांबे की याद रखनी ही पड़ेगी बहुत बार एग्जाम में पुलिस तक का एग्जाम आईडी वा तांबे की चिल्ली की फेमस खान है जिसका नाम है चुकीकामाटा रेस के गया चुकीकामाटा आज नहीं चुकीकामाटा तांबा की चिल्ली की फेमस खान बहुत बार एग्जाम में आई है विश्व अरे तो वो राजस्थान है यही कोई कौन पूछे इंडिया लेवल पे इस पर्सन को वो राजस्थान के लिए मैं थारे राजस्थान वो जी क्या हो गए थारे तो फिर के मतलब हो खेतड़ी हूं भी राजस्थान जी के पूछी जाए राजस्थान है खेतड़ी सिंगाना कितना मीटर लंबी सारी बात हम तो इंडिया लेवल पे नहीं पूछते इस चीज को विश्व की सबसे फेमस खान है चुकीकामाटा और है गुरु जी और है नी एल्टेनियत ला अफ्रीकाना एल्टेनियत बहुत गहरी खान है विश्व में सर्वाधिक तांबा निकलता है चिल्ली में चिल्ली की प्रसिद्ध खान है चुकीकामाटा और जो मरुस्थल है अटाकामा अटाकामा मरुस्थल में एक चीज निकले नाइट्रेट है नाइट्रेट नहीं नाइट्रेट है नाइट्रेट क्या मुकाम आवा साइंस में क्या मुकाम आवा नाइट्रेट को सब ज्यादा भंडारेट है अटाकामा मरुस्थ शुष्क स्थान है वो विश्व कटकामा है नाइट्रेट क्या मा है क्या मैं केमिस्ट्री में दावे हाँ केमिस्ट्री पढ़ी जाओ लेकिन के चीज बने कोई परमाणु परमाणु मा क्या मा है चलो जाम भी अपन के करने अपन तो याद रखने विश्व में सर्वाधिक नाइट्रेट कहाँ है नाइट्रेट नाइट्रेट नहीं इस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी यहां इसी मरुस्थल से सॉरी इसी पर्वत श्रृंखला से निकलेगी एंडीज से और ऐसे करके इधर आके गिरेगी जिसका नाम है अमेजन आवाज नहीं भी क्योंकि मचका तो चोखो कौन लगो बीच में ना बोलो हाँ इस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है अमेजन कितनी लंबी है गुरुजी 65-70 किलोमीटर विश्व की दूसरी लंबी जबकि विश्व की पहली बड़ी अब ओके मतलब हो बड़ी लंबी को अंतर होगी देखो अपवाह तंत्र में विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजन अमेजन अपवाह तंत्र को मतलब समझोगे अपवाह तंत्र को मतलब जी आ नदी है आ नदी मान लियो कितना किलोमीटर 10 किलोमीटर मान लियो लंबी नदी है ठीक है
अब नदियां ही सहायक नदियां भी तो है भी, प्रत्येक नदी सहायक नदी तो होगी। मान लेंगे सहायक नदी एक ही साइड हूं, इन्नू आ रही है, इन्नू आ रही है, इन्नू आ रही है। अब अन्न अगर काउंट कर दे तो आ नदी चली जा मान लो 50 किलोमीटर भी, ए भी तो इंगी सहायक नदियां है तो इंगी भी, इंगो ही पार्ट है वो। अपवा तंत्र यानी अपवा तंत्र है इंगो, एज की और सहायक नदियां आ रही है भाई, यानी विश्व की सबसे लंबी लंबी सिर्फ मैन नदी जी नील नदी है, जबकि अपवा में सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अमेजन नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी नील ध्यान रखना, बड़ी पूछ ले या फिर अपवा तंत्र में सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अमेजन है। बिया कौन सी है जी, भारत की अर्थित गंगा ही है, चाहे कहीं आज बुलाई। अब देखो उसको क्षेत्र है नहीं, बहुत उपजाऊ क्षेत्र है, वन बहुत पाए जाते हैं, लानोस नाम सुने डो कदी, चलो कौन सुने डो, एना कौन डा सुने डोगे की है, एनाकोंडा सांप हुए की है, कौन मेरो चलो बता दे आने मेरो, तो एनाकोंडा नाम क्यों कौन सुने डोर, फिल्म भी है एनाकोंडा। देखो तीन चीज है, एक तो वह सर्प जो कहना आप बोल दिया सांप, एक वह अजगर, एक वह पीऊना, अलग अलग कैटेगरी है। सांप अलग वे, अजगर अलग वे, पीऊना अलग वे, तीनवा ही अलग अलग विशेषता है। सांप दस्ता है, डंक मारे वो, सबसे जहरीला सर्प कौन सा होता है, कोबरा, जो कह नाम गा के के लागे किंग लागे, किंग कोबरा है ये, जिसका आपने भूत है, आपने है किंग कोबरा भूत है, आपने कालना कह दियो सीधी बात, खा बोनी नहीं खाता, रेयर केस कभी सुनियो आज तक की निकालना खाई डो मत, कौन सुनियो इतनी बड़ी लाइफ में, रेयर केस में खाता है कालना, बहुत ही रेयर स्थिति में, क्योंकि सांप हमेशा तभी डसता है जब सांप मुसीबत भी, मुसीबत में तो आदमी आपड़ा मारे ही गो, बाकी सांप कभी नहीं खाता। चाले जी आप सांप उडरा नहीं, आपनो दुगनो सांप डरे आपनो, जी पता लाग जाए नहीं कटा था आदमी है तो सांप तुरंत भाजने की कोशिश करे, अपा डरा भी सांप अपनो डरे, सिर्फ एकमात्र है दूसरो जहरीलो कौन सांप तो ये बंडी, किंग कोबरा बाद दूसरो स्थान है, आगे आ बिना छेड़े, एकमात्र इसकी बिना छेड़े खागी, अब इन्हें छेड़े खाजी सांप है नहीं, सांप अगर जिया अठे और थे कौन देखियो थे अंदर कर आ गया तो सांप बेड़ो जागो या फिर साइड में बाज जाओ, जबकि बांडी की विशेषता की बिन पतो लाग गयो नहीं कि कोई आ रहे तो बेड़ियो जी पूरी गोड़ो जी और जी नजदीक कर गुजरो किस करके वापस आ जाओ। ये बिना छेड़े खाती है, एकमात्र प्रजाति है जिसकी बिना छेड़े खाए, बाकी सांप अपनी साइड में ही है, अपने तो जिया जम्मू साइड में नहीं, अब छिपकलीन कौन मारा नहीं, वो सांप को नहीं मारती ऐसी, बहुत सांप है ठंडे क्षेत्र में ज्यादा हुए तो सांप, और आपने सांप जे पतो लाग जाए तो पूरा मुल्लो बेड़ो कर ले, सांप है जबकि सांप बिना छेड़े कभी नहीं खाता, सिर्फ इसे एक को छोड़ के बिया सब जहरीलो कौन सो पता है, ग्रीन कलर का है सांप आपने को नहीं, हरे कलर का सांप है जो यहां बहुत है ब्राजील में, ब्राजील में तो एक पूरो आइसलैंड है सांपांगो, अब तो बट प्रतिबंध लगा दियो जान खातर, बहुत सांप है, हरे सांप है छोटा छोटा, पेड़ पौधा हम दिखे को नहीं, हरे रंगा ही वे, तीन घंटा काम है मुना जी खाजियो कोबरो नहीं, सांप फणत कौन दाने गयो, कोबरो है नहीं फणत दाने गो, फुंकार मारे वो कोबरो में सा विशेषता है कोबरे की, अरे बिया भी पतो लाग जाए फणत आने कोबरो देखे ए जगह रखे नहीं, जगह अपने सांप दिखाना ही करे नहीं, हाँ सपेरा बाथन कोबरो मिलेगो में सा, क्यों कोबरो सुंदर भी तो है, देखने सुंदर भी है कोबरो, सबसे खतरनाक सर्प है ये किंग कोबरा, वो तो बहुत खतरनाक है, हड्डियां तक गड़ा दे करो ग्रीन और सांप खा जाए नहीं, बचने के कोई चांसेज नहीं है, ये ब्राजील में सबसे ज्यादा है सांप, ग्रीन हरे रंग आते फौज में लाग जाओगा नहीं, पश्चिम बंगाल साइड में ड्यूटी आओगी नहीं, बट थन मौको मिल जाएगा ग्रीन सर्प देखने, पानीहार क्षेत्र में भी ज्यादा सर्प खतरनाक कौन सा अपरला हुआ है, मरुस्थली जगह सर्प है नहीं वे ज्यादा खतरनाक हुए, किंग कोबरा अपने बोलते कई बार अखबार में दो किंग कोबरा पकड़े
जो जहर बनाया नहीं सबसे खतरनाक जहर साइनाइड जहर सुने डेल, जिसे खाने के बाद में आदमी ये नहीं बता सकता कि स्वाद कैसा है उसका, वह जहर अंग बने हुआ ऐसे का जहरीला सरप हुए नहीं अंग बने वो जहर। सांप को जहर काटना बहुत आसान है, सांप ने पकड़ लियो, पकड़ने के बाद में पीछे मुंह पकड़िए और कोई भी बर्तन है नहीं, बर्तन के ऊपर कपड़ों बांध लियो और भी बर्तन पर भी नहीं छोड़ो, छोड़ता ऑटोमेटिक जहर छोड़ देगा। सब आसान तरीको है जहर काटना, खाज्या भी बाद में फिर भैया मेरे को नहीं क्या तरीको है। कोई तो पुरानी फिल्मा में देखी हुई हीरोइन का सांप खा जाता अरे बटो एक्टर मुंह वो जहर चूस जाता देखे हुए थे, फिर बड़ी जोर की कला या तो असंभव काम है सिर्फ है जकी कला वह कोई करोड़ा में एक आदमी कनवा सर्प का जहर निकालने का ना वह चीरा फड़ा है नहीं चीरा फड़ा में क्यों गलत जगह चीरा लाग जा रख कट जा उसका एक ही तरीका है अगर जहर खा लियो क्योंकि अलग ढंग दिखे हो भी ब्लैक कलर हो जाए अगर सांप खाइड हो एक ही तरीको है सीरीज हुए नहीं सीरीज से आप खींच सकते हो सुई वह सुई को अगली बार हटाने बाद में मोटो से भाग बच्चे नहीं ब्यू खींच को बाकी और कोई इलाज नहीं है नहीं फिर डॉक्टर कन जाओ नहीं आपने गोगा जी तेजा जी रामदेव जी अलग अलग आपने स्पेशल डॉक्टर है पाखन जाओ फिर अजगर अजगर के में साफ तो डसता है अजगर अजा माने के में पता ही था अजा हिंदी अजा बकरीन बोले शाबाश अजा सहेली तासु रिपु ताजन्नी के बरतार ताके सुत के मीत को बजिए बारंबार समझ आया गए अजा सहेली तासु रिपु ताजन्नी के बरतार ताके सुत के मीत को बजिए बारंबार बता दो की अर्थ निकले ओ वह बोलना तरीको अजा सहेली अजा बोले बकरी ने बकरी की सहेली कौन है बकरों को नहीं है बकरी सहेली में भेड़ भेड़ बकरी सागरी कौन रहेगी अजा सहेली अजा की सहेली होगी भेड़ अजा सहेली तासु रिपु रिपु क्या बोले पता होगी रिपु दुश्मन ने बोले भेड़ को दुश्मन हुए कांटो क्योंकि एक बार अगर भेड़ का वीडियो निकलना दो रोज अजा सहेली तासु रिपु ताजननी यानी कांटे को जन्म देने वाली है पृथ्वी ताजननी के बरतार पृथ्वी को बरतार पति कौन है पता है इंदर ताजननी के बरतार ताके सुत इंदर को सुत कौन है अर्जुन अर्जुन इंदर को पुत्र मान लीजिए ताके सुत के मीत को अर्जुन को मित्र कौन है कृष्ण बजिए बारंबार अब आगे ये समझे अजा सहेली तासु रिपु ताजननी के बरतार ताके सुत के मीत को बजिए बारंबार अजा बोले बकरी ने और अजा ही बने अजगर ओ जिया बकरी की ऐसी तो निगल जा तो बकरी जरूरी को नहीं आदमी ने भी कई बार कोई वीडियो कौन देखोगे अजगर ने चीर के माओ ओ के करे सीधो सीधो अंदर ले जाओ अंदर ले जाके तोड़ने मरोड़ने की प्रोसेस कराओ चाहे बकरी हो चाहे हिरण हो चाहे कोई हो इंगी वजह इनको नाम क्यों गयो अजगर अजगर निगलता है पीवनो ये अपने राजस्थान में आया था जीके में पीवना क्या है ओ अपने पाई जे जैसलमेर साइड इंग एक अलग ही प्रोसेस है ओ के करेगो आदमी कई बार पीछो भी कर ले ओ सोएडा आदमी कन जागो और आपको फन तान के ले जागो गठे मुंह कन होटा कन तेरे होटों से लिपट जाऊं सजनी सुर्खी का रंग बन के और बठे अब कुछ अलग अलग बता कुछ तो आप बतावे कभी इंग अंदर जगह नहीं जीभ के अंदर कुछ फल्ला हो गए वह आदमी का सांस फूट जाए और फूटने बाद है आदमी मुंह वगैरह पर पड़े कुछ बताओ आसपास की बताओ ऑक्सीजन है वो लुप्त कर दे ये तरीका अलग अलग बता लेकिन अनिश्चित है अगर पीऊना है कोई चक्रा मांगियो नहीं तो बचने के न के बराबर चांसेस है क्योंकि जहर का असर कब होता है सोने के बाद अगर सांप खा जाए नहीं तो मेड़ी पर सोन को अंधे भी रहे था सोन को अंधे मेड़ी पर ढोलक बजाओगा डम डम बहुत सारी आवाज कर दिया अभी नींद को नहीं आओगी बेचारे क्योंकि सोने के बाद में जहर का असर ज्यादा होता है पानी पीना जहर को असर ज्यादा है पानी कौन प्या बोरे आरे करके मर जाओ घी प्या देगा लेकिन पानी कौन प्या तो अब सुते आदमी पर असर करो पीणो पीना डसता नहीं एक अलग ही प्रोसेस है सांप डसता है अजगर निगलता है पीना ये एनाकोंडा अजगर है एक तरीको
बोले तीन सांप है, विश्व का सबसे लंबा सर्प बोलते हैं नाकोंडा को, इतो लंबो है, यहाँ पानी में है, ऊपर हेलीकॉप्टर जाए नहीं तो हेलीकॉप्टर ने पकड़ के नीचे लिया, इतो लंबो हो, ज्यादा हो थोड़ा कम कर दो। विश्व का सबसे लंबा सर्प एनाकोंडा किस नदी में पाया जाता है? अमेज़न नदी में। कदी जाओ अजगर है रे, देख लियो कदी, आपने बहुत है अजगर तो बहुत लंबा है, 15-20 मीटर तक लंबा है अजगर, पानीयारा सर्प है अजगर। हाँ, एक नदी ऊपर भी है ओरोनिको, गुआना को पठार है बठू निकला के नाम है ओरोनिको, इंगी सहायक है कोरो नदी, सरुन भी बोले, कुछ याद आएगी, ओरोनिको की सहायक कोरो नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल, कौन से देश में? वेनेजुएला, सब ऊपरी ऊपर देश वेनेजुएला ही है। एंजिल जलप्रपात कितो ऊंचा है? 979 मीटर ऊंचाई, विश्व का जलप्रपात तो समझ गया, वाटरफ्लो ऊपर से जो पानी गिरता है, विश्व का ऊंचा जलप्रपात है। अठकरी वन भी पाई जाए कुछ, लानोस ध्यान रखियो रे, घास बहुत बड़ी एग्जाम में, डाउन्स घास ऑस्ट्रेलिया, लानोस वेनेजुएला में, अर्जेंटीना में घास पाई जाए पंपास, जरूरी है याद रखना, बहुत बड़ी एग्जाम में आए, और अमेजन क्षेत्र में वन पाई जाए सेलवास कंपोज, थोड़ा सा याद रखना जरूरी है, घास बारे में कई बार प्रश्न सीधा सीधा चाहिए, ज्यादातर तो डाउन से पूछेड़े, लानोस वेनेजुएला में, पंपास अठे ज्यादा हुआ, गेहूं, गेहूं मंडी अर्जेंटीना में है, मक्का, मकाई पेटी, गेहूं मंडी नहीं, गेहूं की पेटी, मक्का मंडी, मकाई पेटी अमेरिका के अंदर, मक्का अठे भी वे ब्राजील में, लेकिन ब्राजील में मक्का ने बोले कोर्न, कोर्न, ब्राजील के अंदर कौन सी चीजां में बा देखा, महाद्वीपों बड़ो देश ब्राजील है, ब्राजील में सबसे फेमस चीज है कॉफी, कॉफी नहीं हिंदी में क्या बोले, कौवा बोले नहीं, कौ बहुत फेमस है, विश्व की लगभग 70% कॉफी अठाई वे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, कॉफी वह नहीं चाह गए, अरे कॉफी कौन पिए करोगे, कई बार ऑर्डर दिया कॉफी वो ऊपर गिर के ले कर पुड़िया थूक के ले कॉफी वे पीने पाने में कोई स्वाद को नहीं में भी, अभी स्वास्थ्य लिए कोई ज्यादा बढ़िया को नहीं, हार्ट अटैक को बढ़ावा देती है कॉफी, कॉफी विश्व की सबसे ज्यादा यही होती है, कॉफी के यहाँ बड़े बड़े बागान है जिन्हें कहा जाता है फजेंडा, अरे वाह कौन बताए रे, ए बताओ कौन बताया है, अठे मिट्टी है टेरा कोसा मिट्टी है भी बहुत बढ़िया है, आ मिट्टी भी पूछेड़ी है, कॉफी के बागानों को यहां कहा जाता है फजेंडा, याद रह सकेगी, विश्व की सर्वाधिक कॉफी ब्राजील में होती है और कॉफी के यहां बड़े बागानों को बोलते हैं फजेंडा, याद रह जासी के बोलो, अठे एक बंदरगाह है सेंटोस ब्राजील में, कॉफी बंदरगाह बोले, ब्राजील की राजधानी की वो रियो डी जेनेरियो जो को बोला नहीं, वो 8-10 साल पीछे जी रही है अभी, वो अभी तक 2019 में आयो को नहीं, ब्राजील की राजधानी पहली ही रियो डी जेनेरिया, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है, पुराने टाइम में ही कभी ध्यान रखियो, ब्राजील की राजधानी है ब्राजीलिया, जैसी ये याद है श्रीलंका ही की है, और कोलंबा कौन सो है वो भी 8-10 साल गैल ने जी रहे, 2019 में जयवर्धने कोटे कुछ है, क्यों क्या जिसकी चेंज होगी ना, कुछ चीज है, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया ही है, लो उत्पादन में भी अच्छा स्थान है ब्राजील को, मैग्नीज में भी ठीक है, लेकिन मैन जो को अपन एग्जाम की दृष्टि इंपोर्टेंट है वो कौन सो है, कॉफी बोलो, ब्राजील में प्रसिद्ध के ब्राजील में प्रसिद्ध के वो शहर है रियो डी जेनेरिया,
आपने जितना भी फैशन शो है कई बार कौन देखोगे, यहाँ महिला चाल रही है वो हमेशा रियो डी जेनेरिया में। अब प्रसिद्ध की बात करा तो प्रसिद्ध में लकोफी में ब्राजील फेमस है, विश्व को पांचों बड़े, और भैया ब्राजील में मौज ही मौज है, पर्यटकों के लिए तो बहुत ही मौज है, जाइए वहां पे स्पेशल, ज्यादा बात को नहीं आपत्रिया, स्पेशल तुझागोनी तेर खातर स्पेशल महिला डांस करेगी तना आकर्षित करण भी, आप प्रसिद्ध है जाइए है तो भी मीम की बात है, क्योंकि पर्यटकान कोई ना कोई तरीकों आकर्षित भारत में किए, पर्यटन आकर्षित करण भी ठीक है, ताजमहल वगैरह लोग ताजमहल एक ही मान लियो, विश्व को कोई आदमी अठारे नहीं तो समझ लेना वो ताजमहल देखने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि विश्व में अपना फेमस स्थान महल ताजमहल ही है, क्योंकि पर्यटक जितना ज्यादा वित्तीय इनकम ज्यादा बढ़े तो एक है अरे किला का लत सगड़े ही वे, अरे तू जब विश्व भ्रमण पर जागो नहीं जब तन्ने बैठे एक किताब मिलेगी तो भी किताब में विश्व की प्रसिद्ध चीज ही देड़ी हुएगी जो की यानी यूनेस्को द्वारा है या फिर सात अजूबा में, अगर कोई आ रहे हो आपने अंग्रेजी नहीं तो बिन भारत की किताब दे ही जाएगी नहीं, कभी ए भारत में फेमस है तो बिंग मा वो स्थान मिलो ज्यादा, ताजमहल कुतुब मीनार वगैरह ए चीजा ही है, और जो किलो के देखो किला बैठी है भी किला तो हर जगह ही वह है लेकिन सात अजूबा है तो सात ही है, ए हर जगह को नहीं है, तो किला देखने आप लाइन जो रियो डी जेनेरिया शहर है जगह एक तरीकों फैशन नगरी बोले, और तू के सुने है? के फेमस है तू ही बता दे यार है बात का तरण देख कि तो माता बची करी प्रसन्न कौन बने कोई प्रसन्न कौन शायद ही हाँ बोलो याद रहे इसके आगे। अब एक चीज ध्यान रखियो जो एग्जाम की दृष्टि इंपॉर्टेंट है, विश्व में जितना भी पेड़ पौधा है बांगा 25% ब्राजील में ही है, ये पूरे महाद्वीप का 40% भाग पर पेड़ पौधा ही है, यानी सब ज्यादा वन घटा हो गया एक तरीकों दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। अब जब पेड़ पौधा ज्यादा होगा बट के कौन सो पक्षी ज्यादा होगा, पक्षी ज्यादा होगा इसे पक्षियों का महाद्वीप भी कहा जाता है, यह चीज याद रखना पक्षियों का महाद्वीप, यानी विश्व के 25% वन दक्षिणी अमेरिका में है, पूरे महाद्वीप के लगभग 40% भाग पे वन ही है, इस वजह से इस महाद्वीप को क्या बोलते हैं पक्षियों का महाद्वीप, याद रह जैसी बोलो 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 ना को लाइजे हो गए बोलो, चलो देखा फिर दक्षिण अमेरिका सो बड़ो देश लंबी नदी लंबी अठे की तो लंबी होगी विश्व की दूसरी लेकिन नहीं महाद्वीप की सो लंबी नदी भी अमेजन है और विश्व की सो बड़ी नदी अमेजन नदी है, यहां का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला ऊंची चोटी लगभग 6960 मीटर है, एकानगुआ गठपड़ है चिली और अर्जेंटीना, विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील टिटिकागा पेरू बोल, विश्व सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपेक्सी इक्वेडोर के अंदर है, कोटोपेक्सी इक्वेडोर, सबसे शुष्क मरुस्थल अटाकामा अटाकामा, यहां पे किसके भंडार है नाइट्रेट का है, तांबू भी निकले थे, तांबे की सबसे बड़ी खान चुकी का माटा खान गढ़े पड़े हैं चिल्ली में, एल्टेनियत खान गढ़े चिल्ली के अंदर ही है, लाफ्रिकाना खान भी गढ़े तांबे की चिल्ली के अंदर ही है, ब्राजील किसके लिए फेमस है कॉफी के लिए, कॉफी है बागाना कॉफी बंदरगाह कौन सो है सेंटोस मेंटोस नहीं सेंटोस सेंटोस, तो बची है आज कंप्लीट करते हैं इसे, नॉर्मल बातें बची है अब ज्यादा नहीं बची, कुछ पठार है यहाँ जैसे एक तो है गुआना का पठार यानी ब्राजील के अंदर है गयाना सॉरी वेनेजुएला और गुआना के अंदर है गयाना का पठार ही बोलते हैं सीधा ही नाम है, इसके बाद में ब्राजील का पठार है वो ब्राजील में ही है नाम कोई समस्या नहीं है ब्राजील को ब्राजील में, ब्राजील के पठार की सबसे ऊंची चोटी अगर याद रखो तो कभी पूछी तो नहीं है किसी एग्जाम में पिकाडो वेंडेरिया, ब्राजील और ब्राजील के पठार की सबसे ऊंची चोटी है पिकाडो वेंडेरिया, और एक पठार है यहां अर्जेंटीना में जिसका नाम है पेटोगोनिया, ये अर्जेंटीना के अंदर है, अमेजन नदी बताई थी
अमेजन नदी निकलती है इन्हीं पठारों से, एंडीज पर्वतमाला से निकलती है ये। इसके बाद में इसकी जो दक्षिणी ओर से इधर दाई ओर से एक नदी मिलती है जिसका नाम है पुरुष, और बाई ओर से एक नदी मिलती है इसकी सहायक नदी जापुरा, और अमेजन नदी की सबसे लंबी जो सहायक नदी है वो है मडीरा। नॉर्मल से है, डीपली पूछते हैं, कभी नहीं पूछा। कौवा, साओ पोलो मेनास में कौवा सर्वाधिक होता है, थोड़ा सा ध्यान रखना, साओ पोलो मेनास प्लस मेनास में। एक चीज याद रखना, रबड़, अगर आपको बता दें रबड़ की जन्मभूमि ब्राजील ही था। हुआ क्या, एक अंग्रेज था जिसका नाम था हेनरी विकहम, ओबड़ो के करियो हेनरी विकहम, 1876 में यहां बोएन से 70,000 रबड़ के बीज चुरा के ले गया और ले जाके इंग्लैंड में लगाए इसने क्यू गार्डन में, और वहां से विश्व को वितरित हुए थे। लेकिन रबड़ की जन्मभूमि ब्राजील ही माना जाता है। लोहे में भी ब्राजील का एक जगह मिनास गेरास, ये फेमस है लोहा के लिए। मैगनीज के लिए खान है अमामा खान, याद रखो तो ए मामा खान, मैगजीन के लिए अमामा खान। इक्वेडोर की राजधानी है क्यूटो, विश्व की सबसे ऊंचा बसा शहर है एक तरीके से क्यूटो, इक्वेडोर की राजधानी है क्यूटो। और दक्षिण अमेरिका में एक पक्षी पाया जाता है शिकारी केडोर। नॉर्मल बातें याद हो जाएगी, ये थोड़ा डीपली है, इतना तो नहीं पूछते। यहां एक चीज पूछी गई है, वेनेजुएला के अंदर यहां एक झील है जिसका नाम है मरे केबो, ये दक्षिण अमेरिका की बड़ी झील है और वेनेजुएला में दक्षिण अमेरिका में सर्वाधिक तेल निकलता है पेट्रोल, और इसके नजदीक भी पेट्रोल नहीं। ये पूछा जा चुका है मरे केबो झील, आईएएस में पूछा था ये मरे केबो झील कहां है, वेनेजुएला के। ब्राजील की अगर बात करें ना, वहां की भाषा पुर्तगाली है भाई। सबसे ज्यादा यहूदी कहां है पता है क्या, इसराइल में, उसके बाद में सबसे ज्यादा यहूदी अर्जेंटीना में बताए जाते हैं, सर्वाधिक यहूदी। नॉर्मल है। और कौवा के लिए कौन सी मिट्टी बताई थी, टेरारोसा, कौवा के लिए मिट्टी टेरारोसा, साउपाला कौवा मंडी है। नॉर्मल बातें बची है, तो एक थोड़ा सा ध्यान रखना, यहां एक द्वीप है फाकलैंड, ये है तो दक्षिणी अमेरिका में, जबकि आईएएस में पूछा था किस देश के अधीन है, जैसे ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन है, उसी तरह कॉपलैंड फॉकलैंड जो द्वीप है, फॉकलैंड द्वीप, ये यूके के अधीन है, यूनाइटेड किंगडम के अधीन। यहां पे लास्ट में, यहां भी नीचे लास्ट स्थान जो है वो है टीरा डेल फ्यूगो, दक्षिणी अमेरिका और टीरा डेल फ्यूगो के बीच में एक जल संधि है जिसका नाम है मेगलन जल संधि। दक्षिण अमेरिका के दो स्थल रुद्देश, स्थल रुद्वे जो चारों ओर देशों से घिरे, वो बाकी देखो सब तटरेखा बनाते हैं। दो स्थल रुद्देश है बोलविया, बोलविया की राजधानी लापाज है ध्यान रखना, बोलविया और परागवे। अर्जेंटीना की राजधानी, बस दो तीन राजधानी याद रखना बड़े बड़े देशों की, अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स, चिली की है सांतियागो, सांतियागो चिली की, वेनेजुएला की है कराकस, ब्राजील की ब्राजीलिया, अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स, चिली की सांतियागो और वेनेजुएला की है कराकस, ये बड़े जो है उनकी थोड़ी सी याद रखना। हो गया पूरा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की।